ये है कलम की ताकत। आप देख रहे हैं क्रिस संदेश न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिस संदेश न्यूज। दहेज विरोधी क्षेत्रीय संघ द्वारा जयपुर में शपथ ग्रहण समारोह एवं संकल्प सभा का हुआ आयोजन। भवानी निकेतन जयपुर के इंडोर स्टेडियम में क्षेत्रीय संघ की ओर से दहेज मुक्त व दिखावा रहित शादी करने का शपथ समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 251 जोड़ों ने दहेज मुक्त, नशा मुक्त और दिखावा रहित शादी करने की शपथ ग्रहण की। इस समारोह में 6 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब व हरियाणा के लगभग 800 लोगों ने भाग लिया। इस समारोह में मुख्य अतिथि हनुमान सिंह भाटी पूर्व डिविजनल कमिश्नर थे। आयोजनकर्ता रघुवीर सिंह चौहान ने क्या कहा, आप भी देखें। जयपुर से कैमरामैन जर्नलिस्ट सावरमल पुनिया के साथ बजरंग सिंह शेखावत की रिपोर्ट। राजपूत क्षेत्रीय संघ के कुछ लोग हैं जो राजनीति के अंदर ही है, आज राजनीति के अंदर उच्च पदों के ऊपर भी है, अपना दमखम दिखा रहे हैं, क्या उन लोगों से आप टच में हैं? वो क्या आपका सहयोग कर रहे हैं? मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा अलग हटके विचार रखता हूं। जो राजनीति करते हैं वो समाज की सेवा नहीं करते, क्योंकि उनको अपने कहीं कहीं वोटों का डर होता है। तो राजनीति करने वाले समाज की सेवा नहीं करते, उनको मैनिपुलेट लाइफ जीनी होती है। यहाँ जो भी क्षत्रिय है, दहेज विरोधी संघ है, इसमें एक भी कोई राजनीति नहीं है। जैसे मैं बैंक के मैनेजर हूँ, ऐसे ही मेरे महेंद्र सिंह जी पुलिस में है, किशन सिंह जी अपना काम करते, सब अपना काम करते। राजनीतिज्ञ एक भी नहीं लिया हमने किसी भी। सर नहीं, देखने को यह मिला जब राजनीति के अंदर आते हैं, राजनीति टिकटें उनको जाति के आधार पर दी जाती, तो जीतने के बाद में जाति का फेर क्यों नहीं लेते, कहां दिक्कत आती है? हुकुम, आपने सही फरमाया, ये हमारे समाज की विडंबना है कि हमारे राजपूत नेता जो समाज के नाम पे उनको टिकट मिलता है, राजनीति में उनको जगह और सीट मिलती है, लेकिन जैसे ही वो पद पे आसीन होते हैं राजपूत समाज को भूल जाते हैं और उस समाज से दूर कट जाते हैं। उनको कहीं कहीं डर होता है कि मैं यदि समाज का पक्ष लूंगा तो दूसरी जातियां शायद मुझे अवॉइड करें, लेकिन ऐसा नहीं है। हम दूसरे समाजों की तुलना करें, दूसरे समाज वाले कोई भी समाज के छोटे से मैटर पे आ जाते हैं और समाज के साथ होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर किसी भी बड़े मैटर पे जब समाज का मुद्दा आता है तो कोई भी राजनीति के बड़ा नेता नहीं आता। ये हमारे लिए बड़े दुख का विषय है, लेकिन कोई नहीं, हम सोच को बदलेंगे। इसी झंडे के नीचे हम काम कर रहे हैं कि हम हर व्यक्ति के विचारों को बदलेंगे। आने वाला जो भी समाज का लीडर उभर के आएगा वो आगे एक दिन समाज की सेवा जरूर करेगा। तो सर इस समय आपको देश और प्रदेश की पूरी जनता देख रही, जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं पूरी देश की जनता को यह संदेश देना चाहता हूँ, सिर्फ राजपूत समाज में ही दहेज का मैटर नहीं है, राजपूत समाज में ही नशे का मैटर नहीं है, यह आप किसी भी समाज में चले जाइए, यह हर जगह कहीं ना कहीं समाज को खोखला कर रहा है, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा डाउन कर रहा है। मैं सभी समाजों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब अपने समाज में इस मुहिम को चलाएं और लोगों को समझाएं। पढ़े लिखे लोग हैं, आप युवाओं को आगे लाइए। युवा जब आगे आएंगे तो जो परंपराओं के लकीर के फकीर है उनके सामने वो खड़े होंगे, तो ये सारे जो दहेज मुक्त दानव है समाज से अपने आप दूर हट जाएगा। मेरा यही संदेश को कि हर व्यक्ति, हर संगठन इस मुद्दे को लेकर समाज में जाए, समाज से बात करें। आप समाज से बात करके देखिए, आज सोशल मीडिया का जमाना है, आप फेसबुक और इंस्टाग्राम और इसके अलावा आप व्हाट्सएप पे जाइए, आप लोगों के साथ में कितने जल्दी जुड़ पाते हैं। मैं ये हमारा प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ 20 डेज का है, 20 दिन में मैं हजारों लोगों को इकट्ठा कर सकता हूँ। यदि मैं साल भर कार्य करूँ तो मैं पूरे देश को जोड़ सकता हूँ। आपने सर हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, मैं रघुवीर सिंह चौहान पुणे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ, आए हुए सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। ये थे जी रघुवीर सिंह जी चौहान हमारे साथ, देखते रहे हमारा न्यूज चैनल। कैमरा जर्नलिस्ट सावरमल पूनिया के साथ जयपुर से बजरंग सिंह शेखावत।